मैम 220। 220। ओके, तो ये आ गया 220 अपॉन 7 और मल्टीप्लाइड बाय 5 + h, ये बराबर आ जाएगा 440 के। अब यहां से क्या करो, 5 + h को इधर रहने दो, दूसरी साइड 440 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से और मैं पूरा का पूरा उठा उठा के ले जाने के लिए बोल रही हूँ, इस पूरे को उधर ले जाओ। 7 अपॉन 220। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहां से 0 से 0 कट हो जाएगी, 44 को 22 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, चौदह फोर्टीन हाइट कितनी आई, वेरी गुड वेरी गुड। 14 - 5 नाइन 9 सेंटीमीटर। कौन है सुनील कुमार के नाम से? कौन है सुनील कुमार के नाम से? केशव, गाने क्यों चल रहे हैं बेटा? मैम हमारे में नहीं चल रहे। आपका ही अनम्यूट हुआ था बेटा, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। अच्छा नहीं, सुनील कुमार नहीं, सुनील शर्मा, दो बच्चे हैं, एक सुनील कुमार के नाम से, सुनील शर्मा के नाम से। सुनील कुमार के नाम से कौन है? सुनील कुमार के नाम से, चलो। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता चली गया, फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(r+h), और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h). वेरी गुड, 2πr(h), कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों का। क्वेश्चन पूछ लूं? मैम क्वेश्चन करेंगे सब, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूं। मैम ये तो आपने शायद पहले भी पूछ लिया है। ये क्वेश्चन मैं दोबारा से पूछती हूँ, देख रही हूँ कितने बच्चों को याद है, कैसे करते हैं, मेथड किस किस को याद है करने का। आंसर डिफरेंट हो सकता है इसमें, हो सकता है मैंने वैल्यूज बदल दी हूँ, इसलिए सोच समझ कर करना। मैम मेरा ठीक है। मैम दिखाओ बैक कैमरा करके, फॉर्मूला कौन सा आएगा? देखो ना, आपसे एक खिलौना बोला गया है कि एक खिलौना बनाना है, ठीक है, आपको कोई कंडीशन नहीं दी गई कि वो ऊपर से खुला रखना है या नीचे से, तो पूरी तरह से बेलनाकार एक खिलौना बनाया जाना है, ठीक है, तो बस पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालो, दिखाओ मैम मेरा आंसर एक बार। बैक कैमरा करके। थोड़ा स्टेबल रखो बेटा कैमरा, आपका हाथ बहुत ज्यादा हिल रहा है, ठीक है यार, इनटू आर प्लस एच। मैम राहुल का देखना। एक मिनट दिखा, एक मिनट देखूंगी, अभी देखूंगी मैं, पहले कनिका का देख लूं। कनिका ठीक है बेटा आपका, हाँ आपका ठीक है। राहुल, ओके राहुल, तो आपने क्या किया है बेटा, एक बार पूरा सॉल्यूशन मुझे दिखाओ। देखो पाई की वैल्यू भरने की जरूरत आपको नहीं है, आपके पास ये 0.5 कहाँ से आया मुझे ये बताओ, त्रिज्या 0.5 कैसे आई, ये कैसे किया आपने राहुल?
और किसी ने किया? ओके, रौनक के नाम से कौन है? वेरी गुड बेटा, आपका ठीक है। और किसी ने किया? पोल में देखती हूँ कितने बच्चों ने, पोल में केवल 12 बच्चों ने आंसर किया है। ओके, प्रिया के नाम से कौन है? बेटा आपका क्वेश्चन आपने बिल्कुल ठीक किया है, बस आपने एक मिस्टेक क्या करी है, पाई की वैल्यू गायब कर दी है। पाई को पाई रहने दो, पाई लिखो, जो लास्ट के आपके 3-4 स्टेप थे ना उनमें पाई को आपने गायब कर दिया है, तो पाई साथ में लिखते चलो। आपने जैसे फॉर्मूला जो लिखा है उसके नेक्स्ट वाले स्टेप में प्रिया के नाम से कौन है, मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ, पाई की जगह पाई रहने दो, आपने जहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है, पाई की ना तो वैल्यू पुट करो, पाई को पाई रहने दो, आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, बस पाई और आएगा उसमें। हाँ जी, और किसी ने किया? दीप्ति, संगीता और कौन है? ईशान, भारती, चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं अब। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको? आधार का परिमाप, इसका मतलब क्या है? चलो कनिका आप बताओ, आधार का परिमाप आपको 20 पाई दिया गया है, इसका मतलब क्या है? मैम, ये जो 20 पाई सेंटीमीटर है ना, जो खिलौने की ऊंचाई तो हमें दी है, उसका आधार ये बताया हुआ है, आधार का वो जो वो परिमाप, पेरीमीटर का परिमाप, फॉर्मूला 2 पाई आर। वेरी गुड, यस। क्योंकि हमें पता है जो बेलन की शेप होती है वो आधार जो होता है उसका वो सर्कल की शेप का होता है, और सर्कल का हमें पता है परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो इसलिए हम आधार का परिमाप की जगह फॉर्मूला लिख देंगे 2 पाई आर। तो हमें 2 पाई आर की वैल्यू 20 पाई दी गई है। अब यहां मैम से आप हमारा सीधा देख क्या, लो। आपको त्रिज्या निकालनी है, दिखाओ। हाँ आपका ठीक है हेमलता, वेरी गुड। अब क्योंकि आपको त्रिज्या निकालनी है, सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो, त्रिज्या बराबर है 20 पाई डिवाइडेड बाय, ये 2 पाई को आप सीधे डिवाइड में ले आओ, 2 पाई क्योंकि गुणा हो रहा है त्रिज्या से तो ये आकर डिवाइड में हो जाएगा, है ना। अब त्रिज्या कितनी आएगी यहां से बताओ जल्दी से, सब बच्चे त्रिज्या कितनी आनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर चार्ट बॉक्स में बताओ सब, कैसे सेंटीमीटर आएगा बेटा 10 सेंटीमीटर कैसे आया, कोई बता सकता है? यस पाई मैम। से पाई डिवाइड हो गया बताओ मैम, पाई से पाई कट हो गया, टू डिवाइड डिवाइड हो गया। गया। पाई से पाई को डिवाइड किया तो 1 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 आएगा, अब 10 × 1 तो 10 ही होगा, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास, है ना। और ऊंचाई कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर ऊंचाई हमारे पास है, त्रिज्या हमारे पास है। अब जो बेलन है, जो खिलौना है, वो पूरी तरह से बेलनाकार शेप का है जिसमें हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो खिलौने का कुल क्षेत्रफल हम निकालेंगे जिसका फॉर्मूला हमें पता है क्योंकि वो बेलनाकार शेप में है, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर गुणा आर प्लस एच। अब इसमें जल्दी से सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब देखो अगर आप अपने दोनों ऑप्शंस देखेंगे, दो ऑप्शंस में आपके पास पाई को पाई रखा गया है, दो ऑप्शंस में पाई नहीं है, तो आसान काम क्या है कि आप पहले पाई की वैल्यू ना भरो, अगर पाई की वैल्यू ना भर के पाई को पाई रखते हो और फिर देखो कि इन दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन है या नहीं है, अगर इन दो ऑप्शंस में से कोई एक आंसर नहीं आ रहा है फिर आप पाई का मान रखो, ठीक है, फिर आप पाई का मान रख के देखो कि क्या बाकी दोनों ऑप्शंस में से कोई आंसर है।
तो भी हम पहले पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई को पाई ही रहने देंगे। तो 2 × पाई को पाई ही रहने देंगे, त्रिज्या कितनी है 10। अब फिर से त्रिज्या का मान भरेंगे और ऊंचाई की जगह ऊंचाई की वैल्यू रखेंगे। अब 2 × पाई × 10 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 पाई। 10 में 25 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 35। अब जरा फाइनल आंसर बताओ सब कितना आएगा। बेटा अनम्यूट करके प्लीज मत बोलो, बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होती है। जब मैं आपसे पूछूंगी एक एक से तब जवाब देना, ठीक है? वेरी गुड, 700, क्योंकि आप 20 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 700 आएगा, पाई को पाई रहने दोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना? चलो अब केशव, केशव हो आप क्लास में? हाँ केशव आप बताओ, अगर मैं पाई की वैल्यू भर देती हूँ 22/7 तो मेरा आंसर कितना आएगा? बाकी सब बच्चे भी बताओ, अगर मैं पाई की वैल्यू को भर दूंगी तो तब मेरा आंसर कौन सा आएगा? बेटा अभी तो हम जो हमने पुरानी क्लास में पढ़ा था उससे उससे रिलेटेड वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वेरी गुड, एक बच्चे ने कैलकुलेट भी कर लिया है। और कितने? 2200। बेटा अनम्यूट करके नहीं बोलो। चलो तो पाई की जगह अगर आप 22/7 रखते हो तो 700 को 7 से डिवाइड किया 100 आ जाएगा, और 22 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो हमने दोनों तरह से आंसर कर लिए, है ना? पर हमारे ऑप्शन में 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर था। अच्छा संगीता, तो हमने बेलन का कुल क्षेत्रफल और पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ा था, वही वाला ये फॉर्मूला है जो मैंने अभी पिछले भी नोट कराया आपको। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ये समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन सबको? यस मैम। पक्की बात है, सबने नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए आ गया। अब जरा मुझे बताएंगे सब, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कुल क्षेत्रफल सारी शेप्स का, ठीक है, और यहाँ पर लिख रही हूँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहली वाली हमने जो शेप पढ़ी थी वो पढ़ी थी घनाभ, ठीक है। हमने उसके बाद पढ़ा है घन यानी क्यूब, और उसके बाद हमने पढ़ा था बेलन, ठीक है। अब सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे जो भी फॉर्मूला आपको इनमें से पता है, जो भी फॉर्मूला आपको इनमें से पता है वो फॉर्मूला लिख दो। चलो जो भी कोई भी एक फॉर्मूला इनमें से लिखना चाहो तो वो फॉर्मूला लिख सकते हो। वेरी गुड, एक आंसर आ गया है मेरे पास, घन का वक्र या फिर पार्श्व। घन और घनाभ के केस में हम पार्श्व कहेंगे, है ना? क्या हो गया, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² होता है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है। ओके वेरी गुड भाई, वेरी गुड, सभी ने आंसर्स लिखने स्टार्ट कर दिए। विपिन ने सबसे पहले लिख दिया है कुल क्षेत्रफल घनाभ का LB प्लस B × H प्लस H × L। वेरी गुड वेरी गुड हेमंत, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। आपकी थोड़ी सी गड़बड़ है कन्निका, जो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो ठीक नहीं लिखा आपने। अच्छा विपिन आपने भी ठीक नहीं लिखा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × 2 × L + B × H लिखा है मैम, गलती से हो गया ये। अच्छा
हाँ, ये क्या होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। हम उसमें से 2 LV को माइनस कर देते हैं। अगर आप 2 LV को माइनस कर दोगे तो आपके पास 2 गुणा BH प्लस HL बनता है, बचता है, जिससे आपके पास क्या बन जाता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब बेलन की बात करते हैं तो बेलन का कुल क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच हो जाएगा, और पार्श्व क्या हो जाएगा, 2πr इंटू एच, है ना। सबने नोट भी कर लिए ये सारे फॉर्मूलाज? यस मैम। अच्छा मैम, ठीक है मैम, स्क्रीनशॉट भी ले ली। हाँ, पर नोटबुक पर भी नोट करना है ना। ओके देख लो एक बार, हमारा दिखाओ मैम, इस पर पीछे कर देना, मुझे थोड़ा सा रह गया। करो नोट। हाँ जी, हाँ बेटा आपका ठीक है, राहुल का देखा मैंने, हो और गया, आपका भी ठीक है, हो गया। हाँ, कर लिया सबने नोट। चलो यस मैम, अब आगे जो हम पढ़ेंगे आज, वो हम पढ़ेंगे आयतन के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। जैसे हमने लंबाइयों के बारे में पढ़ा, हमने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा, तो अब हम आयतन के बारे में भी पढ़ेंगे। आयतन जो है वो हम हमेशा 3D शेप्स का निकालते हैं। जो हमने 3D आकृतियों के बारे में भी पढ़ा, घन, घना, बेलन, शंकु, ये सारी शेप्स, उन्हीं का हम आयतन निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने लंबाई, जब हम लंबाई की बात कर रहे थे तो हमने लंबाई की इकाइयों की बात करी थी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना। जब हमने क्षेत्रफल की बात करी तो हमने क्षेत्रफल की इकाइयों की बात भी करी कि क्षेत्रफल को हम किस तरह से लिखते हैं। फिर उसके बाद हम उन्हें आपस में कैसे बदलते हैं वो भी हमने सीखा था, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं। अब उसी तरह हम पहले वॉल्यूम के बारे में समझेंगे, आयतन के बारे में समझेंगे, उसकी इकाइयां पढ़ेंगे और उनका रूपांतरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक से चीज कि आयतन होता क्या है। आयतन क्या होता है, कोई भी ठोस वस्तु है उसके द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। अब ठोस वस्तु क्यों कह रही हूं मैं, जैसे आपका फोन है, ठीक है, आपका फोन है, एक 3D शेप है, एक ठोस वस्तु है। अब आपका फोन पूरे कमरे में कितना स्थान घेर रहा है, वो पूरा का पूरा जो स्थान होगा उसको क्या कहेंगे, एरिया। नहीं, एरिया के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, एरिया अलग चीज है, आयतन अलग चीज है। ठीक है, एरिया क्या होता है, मान लो आपको, आपके पास एक ऐसा बॉक्स है, जो आपके पास वो आता है ना रूबिक्स क्यूब जो आता है, जिसमें आप कलर मैच करते हो, अगर मैं उसके एरिया की बात करूं तो उसका एरिया वो होगा बस आप जहां पर वो कलर कलरफुल उसके बाहर बाहर वाली साइड जहां पर आप पेंट करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो पूरे का पूरी चीज कितना स्थान घेर रही है कमरे में, वो उसका आयतन कहलाएगा। ठीक है, कितने मटेरियल, वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो आयतन हम हमेशा 3D शेप्स का निकालते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आइस क्यूब्स हैं, ठीक है। अब ये आइस क्यूब कितनी जगह घेर रहे हैं, ठोस है बिल्कुल, अंदर से खोखले तो नहीं है ना, बिल्कुल ठोस है। अब ये आइस क्यूब क्या है, एकदम ठोस है, तो ये कितना स्थान घेर रहा है उसको हम क्या कहेंगे। ओके ठीक है बेटा, कोई बात नहीं केशव, यस यू कैन लीव द क्लास। ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। अब उसी की तरह यहाँ पर एक और बॉक्स है ना, वो भी उसका, ये बॉक्स हवा में जितना स्थान घेर रहा है, मैं हवा की बात क्यों कर रही हूँ, कि आपका रूम आ गया, आप या तो ऐसे कह लो कि आपके रूम में, हम जब क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो हम प्लेन की बात करते थे, वो कितना स्थान घेर रहा है प्लेन में। अभी वहां पे आऊंगी मैं, आयतन और धारिता में क्या अंतर है, अभी वहां वहीं पर आने वाली हूँ। ठीक है, तो जो ठोस वस्तु है वो जितना स्थान घेरेगी वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। अब अगर हम धारिता की बात करें तो अगर कोई भी चीज खोखली है, ठीक है, यदि कोई वस्तु खोखली है तो उसके अंदर जो भरा जाने वाला द्रव है, उसके अंदर हम कितना द्रव, कितना पानी, कितना लिक्विड भर सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। जैसे 1 लीटर का जग,
एक लीटर का जग, इसका मतलब क्या हुआ, जो जग है उसकी कैपेसिटी, उसकी धारिता 1 लीटर है, मतलब उस जग के अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है, 1 लीटर लिक्विड आ सकता है। ठीक है, पानी की टंकियां होती हैं सबके घर में, ठीक है, आप किस तरह से बोलते हो, 1,000 लीटर की टंकी है, 10,000 लीटर की टंकी है, ऐसा बोलते हो, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वो जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी धारिता कितनी है, उसकी धारिता 1,000 लीटर है, 10,000 लीटर है, उसका मतलब क्या हुआ कि समता उसके अंदर 1,000 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, अब वैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स देखते हो या फिर कैन आते हैं, है ना, कैन आते हैं जो कोल्ड ड्रिंक के कैन वगैरह आते हैं, वो सारी चीजें आप सबने देखी भी होंगी, अलग अलग जूसेस की बॉटल्स आने लगी हैं अब, तो उन सब में लिखा होता है 20 ml, 30 ml, 40 ml, 500 ml, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस डब्बे की, अगर जैसे आप फ्रूटी वगैरह के डब्बे आपने देखे होंगे, वो डब्बा सब अलग अलग शेप में होता है, फ्रूटी का अगर आप डब्बा देखोगे वो घनाभ की शेप में होता है, अंदर से खोखला होता है ना, तो अब उस डब्बे के अंदर आप कितना फ्रूटी भर सकते हो वो क्या कहलाएगी, उसकी कैपेसिटी कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। तो मान लो डब्बे में लिखा है कि 10 ml भर सकते हैं, तो 10 ml उसकी क्या हो गई, धारिता हो गई। जो कैन आता है, कोल्ड ड्रिंक के कैन्स भी आप लोगों ने देखे होंगे, वो बेलन की शेप में होते हैं, बेलन के शेप में होते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है, और हम क्या कहेंगे, फिर उसके अंदर आप जितनी भी कोल्ड ड्रिंक भर सकते हो तो उसकी कैपेसिटी कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। समझ में आया दीप्ति फर्क, धारिता में और आयतन में क्या फर्क होगा? ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हो, एक जार है जो खाली है, ठीक है, एक जार है, एक बीकर है, उसके बाद एक जग है, उनके अंदर आप कितना कितना लिक्विड भर सकते हो। हाँ बिल्कुल, 200 ml की बॉटल आ जाती है, आप जब बॉटल्स खरीदने जाते हो तो आप लीटर के हिसाब से देखते हो ना कि भैया 500 ml वाली चाहिए मुझे, 1 लीटर वाली चाहिए मुझे, 200 ml, 200 मिलीलीटर वाली चाहिए, तो आप अपने हिसाब से देखते हो कि आपको कितने मिलीलीटर या कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी, उस हिसाब से आप बॉटल खरीदते हो, तो आपको क्या पता होती है, उसकी कैपेसिटी पता होती है, उसकी धारिता पता होती है उस चीज की, है ना। तो ये फर्क होता है धारिता और आयतन में। अब इनके ना मात्रक भी होंगे, जैसे हमने, ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, लंबाई के बारे में पढ़ा था, लंबाई की हमने इकाइयां पढ़ी थी, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना। फिर उसके बाद हम क्षेत्रफल पर आए थे, क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, और एक और चीज हमने जोड़ दी थी, हेक्टेयर। जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मैंने ये बताओ स्क्वायर क्यों लगाते हैं, ये मैंने समझाया था, किस किस को याद है क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर क्यों लगता है? लंबाई 2 बार गुना होती है, भुजा यस, क्योंकि गुना, हम भुजा हमेशा दो लंबाई, आप भुजा। अभी ना कोई सा भी फॉर्मूला देख लो आप, उसमें ना, अभी मैं फॉर्मूले वाले पे आ जाती हूँ जहां पर हमने क्षेत्रफल की बात करी थी, आप किसी भी फॉर्मूले को देख लो, वहां पर दो लंबाइयां आपस में गुणा हो रही हैं। अगर आप इसकी बात करोगे घनाभ की, तो लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा लंबाई, फिर आप उन्हें जोड़ोगे वो अलग चीज है, बट आपस में एक साथ एक बारी में दो ही लंबाइयां आपस में गुणा हो रही हैं। किस वाले में साइड दीप्ति, किस वाले में 3 हो रही है गुणा, ये बताओ, घन में, घन में कि में घनाभ में? घनाभ में इसकी बात कर रहे हो, देखो एक साथ लंबाई गुणा लंबाई, यूनिट अगर आप इसका लोगे 3 मीटर गुणा 3 मीटर, यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। इसी तरह चौड़ाई को जब ऊंचाई से गुणा करोगे तो भी मीटर स्क्वायर आएगा, ऊंचाई को लंबाई से गुणा करोगे तो भी साथ में मीटर स्क्वायर ही आएगा, है ना। अब इन सबको जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा या मीटर की घात 6 आएगा, ये बताओ। मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ही रहेगा, है ना, मीटर स्क्वायर ही रहेगा। तो एक टाइम में, मैं ये एक टाइम में दो लंबाइयां आपस में गुणा हो रही हैं, बीच में उनके प्लस का माइनस का साइन है, लेकिन स्क्वायर ही आएगा। यस, अगली वाली में भी आप देखोगे लंबाई और ऊंचाई आपस में गुणा होगी, फिर चौड़ाई और ऊंचाई आपस में गुणा होगी, एक टाइम में केवल दो ही लंबाइयां आपस में गुणा हो रही हैं। घन के बारे में बात करोगे तो भुजा गुणा भुजा,
दो लंबाई आपस में गुणा हो रही है, दो लंबाई आपस में गुणा हो रही है। यहाँ पे भी आर का स्क्वायर 2πr² ये था ना, 2πr² प्लस 2πrh, ठीक है 2πr², आर स्क्वायर मतलब भुजा त्रिज्या गुणा त्रिज्या, त्रिज्या भी एक लंबाई है ठीक है, लंबाई इंटू लंबाई, और उसके बाद 2πrh में देखो त्रिज्या एक लंबाई है, ऊंचाई एक लंबाई है, तो एक टाइम में दो ही लंबाइयां। क्या समझ में नहीं आया बेटा संगीता? मैं बस इतना कह रही हूँ कि क्षेत्रफल में हम सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं, वो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्षेत्रफल निकालते हुए आप कोई भी फॉर्मूला देखो हमेशा दो लंबाइयां आपस में गुणा होती है। इन वाले फॉर्मूला का भी छोड़ो, बाद में ध्यान देना अगर इन पे आप, आयत आयत का करा था हमने, लंबाई गुणा चौड़ाई थी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो दो लंबाइयां आपस में गुणा हो रही थी। त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हुए कितनी लंबाइयां आपस में गुणा हो रही है संगीता? दो हो रही है ना, आधार इंटू ये जो एक बटा दो है ये तो नंबर है, एक बटा दो तो नंबर है, चौड़ाई और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई दो लंबाइयां हमारे पास, वो आपस में गुणा हो रही है। तो कोई सा भी आप क्षेत्रफल देख लो किसी भी चीज का, हमेशा आपको एक साथ दो लंबाइयां गुणा होती हुई नजर आएंगी, और जब दो लंबाइयां आपस में गुणा होती है तो उनके यूनिट भी आपस में गुणा होंगे, और जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसलिए स्क्वायर आता है ठीक है। बस मैं ये समझाना चाह रही थी कि स्क्वायर क्यों आता है। अब इस तरह आयतन में जब हम बात करेंगे तो आयतन में हमेशा देखो, मैंने इसीलिए पहले कहा था आयतन हमेशा 3D शेप का निकालते हैं हम, तो 3D शेप का निकालते हैं तो आयतन में हमेशा क्या होंगी, तीन लंबाइयां आपस में गुणा होंगी। जब तीन लंबाइयां आपस में गुणा होंगी सॉरी तो हमारे पास घात क्या आ जाएगी, तीन आ जाएगी ठीक है। अब जैसे यहाँ हमने एक अलग से यूनिट ले लिया हेक्टेयर का, वहां हमारे पास अलग से यूनिट आ जाएगा मिलीलीटर और लीटर का, ये हमारे पास मात्रक आ गए ठीक है। अब मात्रक में भी हमने दो चीजें पढ़ी है ना, क्योंकि हमने आयतन पढ़ा है। अब आयतन हम ठोस वस्तु का निकालते हैं, जो ठोस वस्तु होती है उसकी क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। अगर मान लो इस घनाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मीटर में है तो उसका आयतन किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा। अगर ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर क्यूब में है तो आयतन इस ठोस वस्तु का सेंटीमीटर क्यूब में होगा, अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब में होगा। तो किसी भी ठोस वस्तु का आयतन इन तीन यूनिट से निकलता है ठीक है। और अगर हम धारिता की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, वो हम किस चीज में लेते हैं, मिलीलीटर में, लीटर में और किलोलीटर में। जैसे दूध आप लेते हो किस चीज में लेते हो, लीटर में लेते हो। पानी किस चीज में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। वो सारी लिक्विड है। क्या बोल रहे हो, ये दूध पीला क्यों है, ये दूध नहीं है जूस है यहाँ पर, तो आप दूध बोल रहे थे। मैं एक एग्जाम्पल देके बता रही थी आपको, जूसेस जितने आप लेते हैं वो किस चीज में आते हैं, लीटर में आते हैं। तो ये धारिता की इकाइयां होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें हम आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक तरह से आयतन के ही पार्ट हैं ठीक है। जैसे अब कन्वर्ट कैसे करना है हमें, अब सबसे पहले आप लोग ही बताओ मुझे कि एक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना सीखेंगे, एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, किस किस को याद है? हजार, हजार होते हैं। वेरी गुड, 10 मिलीमीटर होते हैं बेटा एक सेंटीमीटर में, और एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं, ये किस किस को पता है? दस का स्क्वायर कर दो 100। हमने क्या किया, क्योंकि हमने सेंटीमीटर का स्क्वायर किया तो हम 10 का भी स्क्वायर करेंगे, मिलीमीटर का भी स्क्वायर करेंगे। अब इसी तरह आप लोग ही कैलकुलेट करके बताओगे एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होंगे, आप लोग ही कैलकुलेट करके बताओगे।
1000 कैसे आया बताओ हेवन। मैम 10 गुना 10 गुना 10। वेरी गुड दीप्ति, शायद नहीं लगाना है, एकदम करेक्ट हो। 10 गुना 10 गुना 10 करोगे। देखो जब आप सेंटीमीटर का क्यूब कर रहे हो, मिलीमीटर का क्यूब कर रहे हो, तो 10 का भी आप क्यूब करोगे। और 10 के क्यूब का मतलब क्या है, 10 गुना 10 गुना 10। अब 10 को जब आप 3 बार गुणा कर रहे हो तो 3 0 आ जाएंगी, इसका मतलब क्या 1000। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आ गया, 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो सब बच्चे क्या करेंगे, जो ये सबसे पहला वाला पॉइंट है इसको नोट कर लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। कर लिया आपने नोट? अगर नोट कर लिया yes, है तो भी मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब फिर से बताएंगे आप लोग, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। वेरी गुड, सबको याद है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब आप लोग ही कैलकुलेट करोगे 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे। कितने जीरोस आएंगे बस इतना काउंट करके बता दो। 4। 4 कैसे आएंगे बेटा, आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करो तभी 40 आ गए। लेकिन यहाँ तो आपको 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना। 6। 6 जीरोस आएंगे। तो पहला वाला तो ये आ गया ना आपके पास। अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं, तो आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर से 100 से मल्टीप्लाई करो, तो टोटल 6 जीरो आएंगे आपके पास, है ना। ये समझ में आया सबको? कुछ भी नहीं करना है आपको, बेसिक चीज याद है, उसका घन कर दो, उसको 3 बार गुणा कर लो और क्या। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 1 मीटर में, इसको चलो किसी अलग कलर से करते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये किस किस को याद है। Yes. मैम 1000। 1000 होते हैं, वेरी गुड। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में कितने 1000 मिलीमीटर क्यूब होंगे, जल्दी से बताओ, कितने जीरोज आने चाहिए। मैम नो, बिल्कुल 1000 गुणा 1000 1/1000 3 जीरो है ना यहाँ पर। तो ये सेकंड वाला पॉइंट भी सब बच्चे नोट कर लो कि 1 मीटर क्यूब 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब और 1 अरब मिलीमीटर क्यूब के बराबर होगा। 1 अरब ही होगा ना ये, सबने नोट कर लिया। यस मैम 1 अरब ही होगा। नोट कर लिया सबने ये, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चंस पूछ, यस मैम, तो मैं किसी को भी अड्यूस करा के पूछ सकती हूँ। सब नोट कर लो, 1000 हो जाए। कर लिया सबने नोट। अब बात करते हैं आयतन, जो हम जो है धारिता की इकाइयों की, धारिता की इकाइयों को हम कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज क्या याद रखनी है आपको, अच्छा किस किस को ये पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ये किस किस को पता है। मैम बेटा चैट बॉक्स में लिखा करो आप लोग, 100 होते हैं। 1000। जैसे 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 100 ग्राम। अच्छा 1000 ग्राम, 1000। मतलब ये कॉमन सा वो है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अच्छा, तो में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1000। हाँ 1000 मिलीलीटर होते हैं। और एक चीज आपको और क्या याद रखनी है कि जो 1 मिलीलीटर होता है वो बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, 1 मिलीलीटर किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब के 1000 मिलीलीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, चैट बॉक्स में बताएंगे सब, अनम्यूट नहीं करेगा कोई भी।
अनम्यूट कोई नहीं करेगा, चैट बॉक्स में लिखेंगे सब। सोचो सोचो, बहुत ही आसान है। एक मिलीलीटर एक सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, दो मिलीलीटर दो सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होंगे, तो 1000 मिलीलीटर। वेरी गुड, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 मिलीलीटर किसके बराबर होता है देखो जरा, 1000 मिलीलीटर वो तो उसके बराबर तो होता ही, और किसी चीज के बराबर होगा? सोचो सोचो, जो तीन लाइन मैंने लिखी है वहां से देखो, जो मैंने तीन लाइंस लिखी है, 1000 ml किसके बराबर होगा, कहां पर कन्वर्जन हो रही है? देखो मैं दोबारा से बता देती हूँ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, क्योंकि मिली का मतलब मैंने क्या बताया था, 1/1000 बताया था। ठीक है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होंगे, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, तो 1000 मिलीलीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखो 1 ml अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, 2 मिलीलीटर 2 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, 3 मिलीलीटर 3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, 10 मिलीलीटर 10 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, तो 1000 मिलीलीटर भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। समझ आया संगीता? संगीता समझ आया? ठीक है, तुम देखो ये जो तीन लाइन यहाँ पे लिखाई है, 1000 मिलीलीटर और किस चीज के बराबर है? 1 लीटर। वेरी गुड, किसने बोला? हेमंत ने। वेरी गुड हेमंत, 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर होगा, तो क्या मैं 1000 की जगह 1 लीटर लिख दूं? तो 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ गया? 1000। तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और इसी तरह 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। और वो आपने पहले ही हमने कर लिया था कि 1 मीटर क्यूब में 1000000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये चारों चीजें सब नोट कर लो, पहले ये चारों चीजें नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करेंगे। नोट करेंगे तभी मैं क्वेश्चन दूंगी, अगर सबके आंसर्स ठीक होंगे तब। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं, कर लिया सबने नोट? क्वेश्चन दे दूं? नो मैम। यस मैम। यस मैम। नो किसने बोला? नो किसने बोला? नोट नहीं किया क्या बेटा आपने भी? चलो क्वेश्चन करेंगे, आसान आसान क्वेश्चन होंगे आज तो, बिल्कुल आप आराम से कर लेंगे। चालीस सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलिए। मैम वो पहले वाला हमने नोट नहीं किया था। क्यों बेटा? क्यों नोट नहीं फोन किया आ था? गया था। अच्छा चलो फिर इस क्वेश्चन के बाद मैं दोबारा से दिखा दूंगी, फिर नोट कर लेना। ओके मैम। ठीक है अभी मैं बता। अच्छा दीप्ति चलो बताओ, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं? करके बता दो। हजार मीटर होते हैं। हजार मीटर। सुषमा आप कर सकते हो? मैम अब आप कर सकते हो, दीप्ति ने बता दिया। हजार। और किसी ने किया है नोटबुक पर?
नो मैम। करो करो आराम से। अच्छा ऐसे ही कर दिया मैम। मैम मेरा पोल में गलत हो। मैम राहुल का। राहुल आपका ठीक है बेटा, वेरी गुड। ज्योति आपका आपका भी ठीक है। MDI। मैम क्या हमारा पोल पर सही है? बेटा पोल का मुझे अभी नहीं पता चलता, वो क्लास के बाद पता चलता है किस बच्चे ने कौन सा वाला आंसर किया है, बट इतना पता चल जाता है कितने बच्चे ने आंसर किया है। दीप्ति आपका भी ठीक है, मैम और हमारा हाँ सबका देख रही हूँ मैं एक एक करके। जिसकी मैं मुझे मिस्टेक नजर आएगी ना उसका मैं बोल दूंगी। अगर आप लोगों को भी किसी की नोटबुक में मिस्टेक नजर आती है आप भी बोल सकते हो। हेमंत आपका भी ठीक है। एक मिनट हेमंत, नहीं, हेमंत आप दिखाओ जरा फिर से नोटबुक अपनी, आपने क्या किया है? देखो आपने क्या किया है हेमंत, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, लेकिन हम अभी सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है? सभी बच्चे बैक कैमरा करके दिखाएंगे, और किस किसने किया है सभी बैक कैमरा ऑन करो, किस किसने किया है नोटबुक पर। और 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों ने, 8 बच्चों ने किया है बैक कैमरे में आंसर जो किया है। हेमंत आपको समझ में आया कहाँ मिस्टेक हुई है? ठीक यस मैम। है उसे करेक्ट करो। चलो बाईस बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 7 बच्चों का गलत है। शायद आप लोगों को जो बी और डी ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो गए वो इसलिए शायद 0 ध्यान से नहीं मैम दिए आप ठीक होंगे। है? एक मिनट दिखाओ अभी। मैम मेरा ठीक है। मैम हाँ तो बहुत दूर हो रही है आपकी नोटबुक ना हेमंत। हमारा हाँ अब ठीक है। मैम मेरा और कौन बोल रहा था दिखाओ। हाँ बेटा ठीक है आपका। देखो इसमें ना आपको मैम कुछ रटने की जरूरत भी नहीं है, आपको सीधी सी बात पता है 1 सेंटीमीटर। हाँ बेटा आपका भी ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 का क्यूब कर दो, 10 का क्यूब मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब 10 का क्यूब का मतलब कितना हुआ, 1000, तो 1000 मिलीमीटर क्यूब। पर आपको 40 का निकालना है, चालीस हमारा देख सेंटीमीटर लो। क्यूब निकालना है, तो आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे। एक मिनट अभी देख रही हूँ और आंसर आपका क्या आ जाएगा फोर्टी दिखाओ। फोर्टी थाउजेंड चार थाउजेंड दिखाओ हजार सुषमा। हाँ जी कन्निका आपका ठीक है बेटा। हेमलता आपका भी ठीक है। मैम बेटा वहां मिलीमीटर था हेमलता जहां आपने मीटर लिखा है। एक और क्वेश्चन दे दो फिर, आपने जो लिखा है ना मिलीमीटर आएगा, ठीक है? चलो ओके मैम। एक और क्वेश्चन, पुलिस के नाम से कौन है? म्यूट पे रखो। सुरेश के नाम से कौन है? अपने आप को म्यूट पे रखो। चलो कर दिया है क्वेश्चन, जीरोस को थोड़ा ध्यान से गिनना। हमें नहीं पता। सॉरी मुझे दिखाना है यार मेरा। आपने बिल्कुल कुछ भी नोट नहीं किया था सुषमा पहले? नो कब कब हुई थी आपकी क्लास डिस्कनेक्ट? ये तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कराया था, काफी देर पहले हुई थी क्या? यस मैम हमारी बहन के फ्रेंड का फोन कॉल आया था। अच्छा चलो ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद मुझे याद दिलाना, नोट करवाना। मैम जीरो था बेटा। सुरेश के नाम से कौन है? आप फिर से अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो। अच्छा हेमलता आपने क्या करना है, जब दूसरे बच्चे आंसर दिखाएंगे दूसरों की नोटबुक्स भी देखनी है, ठीक है? उससे भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ओके मैम। ज्योति वेरी गुड ज्योति,
बिल्कुल ठीक है, दो दो बार यूनिट्स लिखने की आपको जरूरत नहीं है। यस, और किसने किया है? सही है मैम मेरा। हाँ आपका ठीक है। अच्छा तो ऐसे ही कर दिया होगा काफी बच्चों ने तो जीरोस काउंट करके, है ना? हेमंत आपका भी ठीक है, है ना? सब ज्यादातर बच्चों ने तो ऐसे भी कर दिया होगा, बल्कि सभी कर सकते हैं ऐसे बिना काउंट करके और देख के। चलो 12 आंसर्स आए हैं अभी तक मेरे पास। पोल में केवल 12 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? मैम 13 हो गए होंगे। चलो संगीता आप बताओ इसका क्या आंसर होगा। मैम हमारा देख लो। क्या होगा संगीता? मैम आंसर दिखा दो। आंसर भी दिखाऊंगी। 3 मीटर क्यूब। वेरी गुड। हाँ हेमलता आपका ठीक है बेटा, आंसर्स भी देख लो सभी बच्चों के लगभग ठीक है। चैट बॉक्स में खोल देती हूँ तो देखो हमने पढ़ा था, मैं वही स्लाइड वापस से दिखा देती हूँ ताकि आप नोट भी कर लो। हेमलता जो 1 मीटर क्यूब होता है वो एक के बाद 9 जीरोस लगती हैं, जो 1 अरब के बराबर है उतने मिलीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर 1 अरब मिलीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब के बराबर है तो 3 अरब मिलीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा? 3 मीटर। 3 मीटर क्यूब के बराबर होगा। हेमलता नोट किया ये? यस मैम। ठीक है, और उसके बाद ये भी नोट कर लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद मैं नोट करवा दूंगी। ठीक है? ओके मैम। ले लिया? यस मैम। ठीक है, क्लास फिर से दिखाना वो पिछली वाली। लो देखो फिर से। अच्छा हिमांशु क्या समझ नहीं आया बेटा आपको इसमें? जीरो की प्रॉब्लम थी। अच्छा जीरो की प्रॉब्लम थी, देखो जीरोस काउंट कर लो, क्योंकि हमने ये देख लिया था ना कि जो मिलीमीटर क्यूब में जब बदलते हैं तो 9 जीरोस होती हैं, और जिसमें आपको बदलना था उसमें भी 9 जीरोस थी। हिमांशु क्लियर है ना? लेकिन कोई डाउट तो नहीं है? यस मैम। चलो मैम हो गया। ठीक है ये वाला क्वेश्चन करो आप सब। हेमलता आप तो कर सकते हो ना? यस मैम। अभी के लिए स्क्रीनशॉट रखो, क्लास के बाद मैं आपको समझा दूंगी। ओके मैम। फोर्टी मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए। होमवर्क भी करेंगे बेटा। मैम मेरा देख लो। वेरी गुड ज्योति। अच्छा एक बार ना ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे सॉल्व करके बैक कैमरा करके दिखाएंगे, देखती हूँ कितने बच्चे करते हैं, नोटबुक और पेन लेकर बैठते हैं। मेरा सही है मैम। अच्छा बेटा सही है। बाकी भी जो बच्चे दिखा रहे हैं दीप्ति और मैम मेरा। हाँ आपका भी ठीक है बेटा। मैम मैंने बिना नोटबुक के किया है। अच्छा पर नोटबुक कौन कौन लेकर बैठा है जरा बैक कैमरा करके दिखाओ। मैम हमारा ठीक है। मैम इसको दीप्ति आपका ठीक है। नोटबुक कौन कौन लेकर बैठा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ बच्चे। और कोई? मैम इसको लीटर में क्या? लीटर में सही। हाँ लीटर में बदलना है।
सिर्फ 8 बच्चे नोटबुक लेकर बैठे हैं, बाकी क्लास में तो मेरे पास लगभग 30 बच्चे हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये वाला ये क्वेश्चन सभी ने ठीक किया, दिखाइए। आपका भी ठीक है बेटा, संगीता आपका भी ठीक है, हेमलता आपका भी ठीक है, सभी बच्चों का ठीक है। आपका बेटा बहुत ज्यादा जूम कर दिया आपने ना, लेकिन ठीक है, आपका बहुत ज्यादा पास कर दिया कैमरा, थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा था बट पता चल रहा था कि ठीक है। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। 1000 लीटर है ना, तो 40 मीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएंगे। 40,000 1,000 लीटर 40,000 है ना। आसान क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। सबने करा था ये बिल्कुल ठीक ठीक। यस मैम। वेरी गुड, एक और क्वेश्चन करोगे। यस मैम। यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी वैसा ही आसान सा क्वेश्चन है। सही है मैम मेरा। हाँ बेटा ज्योति आपका ठीक है। और किसका, दीप्ति आपका भी ठीक है। कैलाश के नाम से कौन है मैम हमारा बेटा आपका मैम हमारा नाम आशीष है। आशीष आपका भी ठीक है, आपका भी ठीक है बेटा। कुलदीप के नाम से कौन है, आपका भी ठीक है। वेरी गुड मैम। राहुल का, राहुल आपका भी ठीक है। वेरी गुड। रौनक के नाम से कौन है, आपका भी ठीक है। मैम हमारा भी देख लो, दिखाओ हेमलता। यस हेमलता आपका भी ठीक है। कनिका राइट, एक मिनट कनिका, हमने पोल में कर दिया। ओके वेरी गुड। कनिका आपका भी ठीक है बेटा। हाँ बोलो। मैंने पोल गलत कर दिया, पोल में गलत कर दिया, ऐसी मिस्टेक। अच्छा एक बार सब दिखाओ बैक कैमरा करके अपने अपने आंसर्स, सभी बच्चे बैक कैमरा करके दिखाओ कितने बच्चों ने किया है। दिखा तो। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब मैं रिजल्ट्स दिखाती हूँ और उसके बाद हमें इस क्वेश्चन को तो सबने ही सॉल्व कर लिया है सही सही, और सभी का बहुत अच्छे से किया है सबने। आपको पता है 10 लीटर जो है, 1 लीटर आपको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये भी ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, 1000। पर आपको 10 लीटर को बदलना है, तो आप इसे 10 से 10,000 मल्टीप्लाई कर दोगे 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ बिल्कुल ठीक था। वेरी गुड वेरी गुड। जो भी बच्चे बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं, हेमंत संगीता सबका ठीक है। समझ में आया फिर जो भी पढ़ा हमने आज। चैट बंद किया हुआ है मैंने, चैट बॉक्स बंद किया हुआ है। चलो खोल दिया चैट बॉक्स। होमवर्क बता देती हूँ मैं पहले, फिर जिसको कुछ भी पूछना होगा वो पूछ लेना। 8.1 करनी है आपने, ये है पेज नंबर 143 पर, ठीक है। 6 ही क्वेश्चन है इसके, वो 6 के 6 क्वेश्चन करना सब जरूर, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी, सारा रिवाइज भी हो जाएगा उससे आपका। हम जा सकते हैं? हाँ जी अभी जा सकते हो आप।